भारतीय जनता पार्टी ने रविवार दोपहर को बीजेपी की बीसवीं लिस्ट जारी करते हुए सात नामों की ओर घोषणा की, जिसमें राजस्थान प्रदेश से एकमात्र सीट पर टिकट की घोषणा बची हुई थी। उस सीट पर बीजेपी ने दौसा से पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीणा को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि दौसा सीट पर काफ़ी लंबे समय से घमासान मचा हुआ था, जिस पर बीजेपी ने एक बार टिकट की घोषणा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीणा को दौसा से टिकट देकर मैदान में उतारा है। दौसा सीट से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी पत्नी गोलमा देवी को टिकट दिलवाना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा भी अपनी पत्नी को टिकट दिलवाना चाहते थे। दोनों में आपसी लड़ाई के बीच बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने हल निकालते हुए दौसा से जसकौर मीणा को टिकट दिया है।